दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बी ए फर्स्ट ईयर की जनरल इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज के थर्ड चैप्टर अ पेयर ऑफ मस्टेशस की स्टडी करेंगे, जिसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है। दोस्तों, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। ये कहानी भारतीय अंग्रेजी उपन्यासकार मुल्कराज आनंद की कृति है। लेखक मनुष्य के स्वभाव को बाखूबी समझता है। प्रस्तुत कहानी एक जोड़ा मूछें लेखक का मूछों पर किया गया खूबसूरत खुलासा प्रस्तुत करती है। मूछों की झूठी शान बनाए रखने में आजम खान अपनी पूरी संपत्ति गंवा बैठता है। लेखक के अनुसार लोग देश में अलग अलग तरह की मूछें रखते हैं और ये मूछें लोगों के बीच भेद जाहिर करने में सहायक होती हैं। अंग्रेजी यूरोपी लोगों की खूबसूरत पोशाक से तुलना करते हुए लेखक कहता है कि उनके हिसाब से कपड़े से इंसान की शख्सियत की पहचान होती है, जबकि हमारे यहाँ मूछों के कटाव और रखरखाव से इंसान की शख्सियत पता लगाई जाती है। हास्य व्यंग मिश्रित लेखन में मुल्कराज आनंद मूछों के अलग अलग प्रकारों का खुलासा जाहिर करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि किस खास प्रकार की मूछें किस खास काबिलियत या पहचान को बताती हैं। लेखक मानता है कि उसके देश में रखी जाने वाली अनगिनत प्रकार की मूछों से ऐसा जाहिर होता है कि उनकी इजाज़त भारत सरकार की ओर से या इंग्लैंड के महाराजा अथवा रानी से मिली हो। वे भारतीय व्यवस्था पर तंज करते हुए कहते हैं कि शायद देश में हत्याओं की अधिक संख्या बढ़ते जाने की वजह लोगों के बीच फैली हो रही है। कहानी आगे बढ़ाने के क्रम में कहानीकार विश्लेषण को ज़्यादा व्यावहारिक भी नहीं मानते हैं। लेखक सोचता है कि उसके देश में जो गुंडागर्दी हो रही है, शायद वे मूछों की वजह से है। सेठ रामानंद और बनिए के बीच छिड़ी लड़ाई को वे मूछों की लड़ाई मानता है। विस्तार से इस लड़ाई के अलग अलग पहलुओं की चर्चा करते हुए हास्य मिश्रित शैली में मूछों के अलग अलग पहलुओं पर बड़ी चर्चा करता है। लेखक आजम खान नामक मुसलमान की जिसके शाही परिवार से ताल्लुक होने ना होने को लेकर ग्रामीणों में भेद है कि कहानी को बांध मूछों की कहानी को आगे बढ़ाता है। आजम खान के पूर्वज मुगल बादशाहों के काल में बड़े पद अधिकारी थे। ये भी विवाद की वजह है। कुछ लोग उसे ढोंगी और मक्कार तथा झूठा भी ठहराते हैं। लेखक उस घटना का जिक्र करता है जबकि आजम खान बनिए की दुकान पर जाकर सोना रख कर उधार लेना चाहता है, मगर उसकी बकरी जैसी मूछों के बिल्कुल उसकी जैसी ऊपर की ओर उठी होने के कारण वे उसे चुनौती देते हुए कहता है कि उसने उसकी चीते जैसी मूछों की नकल क्यों की है। आजम खान उसे धमकी दे बैठता है कि अगर वे खैर चाहता है तो अपनी मूछों को बकरी जैसी ही नीचे की ओर झुका ले। सेठ रामानंद अपनी मूछों के एक सिरे को नीचे गिराकर आजम खान द्वारा लाए गए सोने की परख करता है और उसे उधार दे देता है। जाते जाते खान जब सेठ रामानंद की एक मूछ उठी हुई देखता है तो भड़क उठता है कि उसने उसे धोखा दिया है। दोनों के बीच विवाद चलता रहता है और खान उसे दूसरी मूछ नीची करने को कहता है। सेठ उससे वादा करता है कि ठीक है, अगली बार जब वे उससे उधार लेने आएगा तो दूसरी मूछ भी नीची कर लेगा। गांव के जमींदार चौधरी छोटू राम तथा दूसरे गांव वालों के सेठ को समर्थन दिए जाने के कारण आजम खान लौट जाता है, मगर वे अपनी बेइज्जती को भूलता नहीं है। उसे ये एहसास बना रहता है कि बनिए ने उसकी मूछ की नकल कर
उसकी रिवाजी सम्मान को चोट पहुंचाई है। घर पहुंचकर खान सात पीढ़ी पुराना हार लेकर फिर से बनिए के पास पहुंचता है, उधार लेता है और बनिए से मूंछ का दूसरा सिरा नीचे करने को कहता है। बनिया फौरन उसकी बात मान लेता है। खान लौटने लगता है, पीछे मुड़कर देखने पर वे बनिए को मूंछ का एक सिरा फिर से ऊपर उठा देखकर गुस्सा हो जाता है। खान के धमकाने पर सेठ चलाकी से उसे कहता है कि अगर तुम्हें खानदानी निशान मूंछों के स्टाइल की सुरक्षा की इतनी फिक्र है तो वे उसे अपनी सारी संपत्ति बेच दे। गांव के जमींदार तथा दूसरों के कहने पर खान वैसा करने को राजी हो गया। उसने वहां पहुंचे पादरी के सामने दूसरे गांव वालों की मौजूदगी में अपनी संपत्ति को सेठ को सौंपते हुए लेख पर दस्तखत कर दिए। अपनी शान की प्रतीक मूंछों को ऊपर की ओर मरोड़ते हुए संतुष्ट खान वहां से चला गया। अगरचे ये बात अलग थी कि वे भिखारी हो चुका था। इधर सेठ भी ये कहते हुए अपनी मूंछों के दोनों सिरे को नीचा कर चुका था कि उसके पिता भी सुल्तान थे। गांव वाले सारी स्थिति पर हंस रहे थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।